हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आई हूँ छत में और मैं दिखा दूँ आपको अपने छत का पूरा व्यू। तो बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है और पीछे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मुझे लगता है अपने घर में, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे घर में ना आप एकदम ताजे ताजे से सब्जियां भी हैं। देखिए, ये एक कद्दू, दूसरा वो कद्दू, एक ये भी है जो छोटा सा है। किस किस के घर में अभी भी झालर लगी हुई है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे घर में अभी तक नहीं, दिवाली अभी तक भी मनाई जा रही है, इसको निकालना है बट अभी तक निकला नहीं है। और सामने देख सकते हैं फूल, इतने सुंदर फूले हुए हैं। ब्राइटनेस फुल कर लो। आ रही निकल जा। तो गाइस ये है क्या बताओ? तो गाइज ये है स्वीट पोटैटो और मैं पता नहीं कब से खा रही हूँ। पाँच मतलब पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कि मैं कब खाई थी लास्ट टाइम, और अभी अब खा रही हूँ और बहुत टेस्टी है। एकदम चूल्हे में भुना हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत टेस्टी है। तो ये है गांव के मजे, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम बाद खाई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइज यहाँ पे देखिए, मम्मी को अचानक से ऐसा याद आया कि मुझे गुल्लक तोड़ना चाहिए। मतलब पता नहीं कैसे मन में आ गया, पूरा गुल्लक इनका भरा भी नहीं था बट फिर भी इनको लगा कि हाँ मुझे तोड़ना चाहिए और मुझे कुछ लेना चाहिए। मतलब अचानक हम लोगों ने ऐसा कि यार मम्मी फोड़ो फोड़ो गुल्लक, कितना पैसा निकलता है। तो मम्मी ने देखे कितना सारा अपना गुल्लक पे जमा करके रखा हुआ है पैसे। और यहाँ पे बस वो पापा जी, जैसे ही पापा ने देखा ना वैसी मम्मी की अफरा तफरी मच गई कि भाई कभी ले ना ले पैसे, क्योंकि यार सच में मम्मी लोग एक एक रुपया जोड़ती हैं और अपनी सेविंग करती है कि कोई दे गया तो बस वही। मेरे मम्मी का तो यही रहता है, क्योंकि आज भी मम्मी का अकाउंट तो है बट अकाउंट से ज्यादा वो अपने गुल्लक पे भी बिलीव करती हैं। और ऐसी मम्मियां किस किस के पास हैं कि जो आज के जमाने में भी गुल्लक अकाउंट से बैंक अकाउंट से ज्यादा वो अपने गुल्लक पे बिलीव करती हैं और वो गुल्लक पे ही रखना पैसे अपने पसंद करती हैं। तो मम्मी का देखिए, ये इतना सारा अपने पास अपना पैसा जमा करके रखी है और पापा यहाँ पे देख रहे हैं। पापा ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये सारे पैसे मेरे हैं, चुराए हुए मेरे पैसे हैं जो तुम जोड़ जोड़ के रखी हो। तो वही मम्मी को लग रहा है कि पापा कहीं पे दबा लिए हैं उनके पैसे, बट ऐसा नहीं है, हम लोग बस मजे ले रहे हैं। और बस यही हो रहा है क्योंकि मम्मी को लग रहा है, ये मम्मी पलटा पलटा देख रही है ब्लैंकेट की, कहीं छुपा तो नहीं लिया है मेरे पैसे लिए हैं। बट ऐसा नहीं है, पापा बस चिढ़ा रहे हैं बाकी सब लोग। बट काफी सेविंग करके रखती है मम्मी मेरी, मतलब सच में ये अच्छा लगता है कि आज भी ऐसी हमारे पास मम्मियां हैं जो कि अपना सेविंग करके रखती हैं और मतलब अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं और जो भी उनको लेना हो। और मेरी मम्मी तो सबसे ज्यादा यही करती हैं कि गोल्ड वगैरह ले लेती हैं, बाकी तो उनको कुछ जैसे जो जरूरत पड़ती है वो तो पापा दिला देते हैं या फिर हम लोग दिला देते हैं, बट वो सबसे ज्यादा जो अपने उनके खुद के पैसे होते हैं, जो खुद के सेविंग के पैसे होते हैं, वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करती हैं। और ऐसा किस किस की मम्मी करती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 10,000 10,000 नेक्स्ट डे मम्मी अपने लिए कुछ कुछ लेके आ गई, गोल्ड का पेंडेंट वगैरह। तो हम यहाँ पे अपने लोकल ज्वेलर्स के यहाँ आ गए थे जहाँ पे मम्मी लेती हैं, और ये सारी चीज़ें मम्मी देख रही थी, कुछ कुछ मेरे लिए भी देख रही थी।
अपने गोल्ड का तो एक छोटा सा ले रही थी मम्मी अपने लिए डेली यूज के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी डिजाइन थी। और अरे मम्मी मेरे लिए भी यहाँ पे मेरे गोल्ड की इयररिंग्स वगैरह मेरे लिए देख रही थी कि हाँ शादी के लिए देख लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तुम फ्री हो तो देख लो, अदरवाइज फिर क्या पता टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसा। तो शादियों की अब धीरे धीरे से मेरी तैयारियाँ शादी की स्टार्ट होंगी, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत कम टाइम है, मतलब हमारे पास अभी सफिशियंट टाइम है शादी का। तो हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसा देख रहे हैं डिजाइन्स वगैरह, अभी लेके तो नहीं आ रहे हैं कुछ भी, मतलब ऐसा है कि हाँ देख लेते हैं अगर लेना होगा तो, बस मैं ट्राई कर रही थी। और ये मेरे पास ऊपर कैसा लग रहा है गोल्ड का इयररिंग, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अभी कंफर्म आप लोग करना, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी ऐसी शॉपिंग नहीं की है गोल्ड की। और बस यही था हमारा वीडियो, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को